दोस्तों नमस्कार, मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं करेला आलू बैंगन का सब्जी। बैंगन ले लिया 3, आलू ले लिया 4, करेला ले लिया 5 का हम सब्जी बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। करेला ऐसा छोटा छोटा साइज, छोटा छोटा टुकड़ा में काटना है, अच्छा तरह पतला पतला। करेला काट चुका हूँ छोटा छोटा पतला पतला साइज में। अभी हम आलू काट लें, आलू छील लिया। आलू भी ऐसे छोटा छोटा पतला पतला काटना है। आलू भी छोटा छोटा काट लिया। अभी बैंगन भी ऐसा छोटा छोटा साइज में काट रहा हूँ। देखिए बैंगन भी ऐसा छोटा छोटा काटना है। करेला हम धो लाया, कढ़ाई चूल्हे पर बैठा दे रहा, गैस ऑन कर दे रहा। कढ़ाई गरम हो चुका, तेल हम ऐड कर दे रहा। रिफाइंड तेल से हम करेला को भून लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया। तेल गर्म हो चुका, करेला मेरा भून चुका, इसको अभी निकाल लेता हूँ। फ्राई करना है, अभी सरसों का तेल ऐड करना। गरम हो चुका, एक कटा हुआ प्याज डाल दे रहा। प्याज मेरा फ्राई हो चुका, अभी आलू बैंगन एक साथ में डाल देना है। नमक स्वाद हिसाब से हम ऐड कर दे रहा, 2 चम्मच दे दिया नमक। 5 मिनट के लिए इसको हम ढक दिया। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हम खोल लिया, देख लेता हूँ। फ्राई हो चुका, पानी जो सूख गया। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसके लिए ले लिया सरसों, लंका, हल्दी ले लूँगा, ऐसे धनिया पाउडर ले ले रहा थोड़ा। धनिया पाउडर हम पीसा नहीं था, धनिया, लहसुन ले लिया था 2 पीस, ज़्यादा नहीं लिया था। अच्छा तरह फ्राई हो चुका है, अभी हम मसाला ऐड कर दे रहे। पीला वाला सरसों पीसा था, लहसुन प्याज को हम ऐसे डाल दिया, धनिया पाउडर, हल्दी 1 चम्मच ऐड कर दे रहा। ऐसे करके आप लोग भी बनाइएगा सब्जी, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, खाने में भी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहा, अच्छा तरह मसाला को भून लेना है। अभी फ्राई हुआ करेला इसमें ऐड कर दे रहा, इसको अच्छा तरह मसाला के साथ भून लेना है।
अच्छा तला मेरा फ्राई हो चुका है, करेला भी इसमें ऐड कर दिया था, मसाला भी अच्छा तरह भून चुका। अभी इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर रहा है, ज़्यादा तोरी नहीं रख रहा है, सूखा सूखा बनाना है। हाफ कटोरी पानी ऐड कर दिया, अभी 5 मिनट के लिए इसको भी ढक के छोड़ देता हूँ। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन खुल के देख रहे हो गया, सब्जी मेरा पक गया, कितना अच्छा हो गया। ऐसे ही रखना है, ज़्यादा सुखाना है नहीं है। गैस ऑफ कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, लाइक करना। बाय।